नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना को मिलेगी एक और बस स्टैंड की सौगात। 8 जिलों में 4 दिसंबर को बालू खनन के लिए चुने जाएंगे नए एजेंसी। राज्य के 65 लापरवाह डॉक्टरों के इंक्रीमेंट पर सरकार ने लगाई रोक। आरटीओ सुप्रीमो लालू प्रसाद 23 नवंबर को होंगे सीबीआई कोर्ट में उपस्थित। बिहार के बॉर्डर एरिया में शराब सप्लाई के रूट्स चिन्हित करेगी सरकार। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 8 जिलों में 4 दिसंबर को बालू खनन के लिए चुने जाएंगे नए एजेंसी। बिहार में बालू की कोई किल्लत अगले महीने से नहीं होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने व एनजीटी की रोक हटने के बाद राज्य के 8 जिलों में बालू खनन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत खनिज विकास निगम की तरफ से पटना, भोजपुर, सारण, गया, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास और लखीसराय जिलों के लिए नए बंदोबस्त धारियों को नियुक्त करने वाली है। इसके लिए निगम की तरफ से टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी एजेंसी सारी ताई पूरी करेंगी, उन्हें बालूघाट खनन के लिए सौंप दिए जाएंगे। बताते चले कि एजेंसी का चयन ई ऑक्शन के जरिए होने वाला है और यह प्रक्रिया 17 दिनों के बाद यानी कि 4 दिसंबर को पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद से ही इन 8 चिन्हित जिलों में बालू खनन का काम शुरू हो सकेगा। पटना को मिलेगी एक और बस स्टैंड की सौगात। मीठापुर बस स्टैंड के बैरिया में शिफ्ट होने के साथ ही अब जल्द ही राजधानी पटना में एक और नए बस स्टैंड का निर्माण होने वाला है, जिसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। यह नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पटना के फुलवारी शरीफ या फिर बिहटा में बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके बन जाने से खास करके उत्तर प्रदेश, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास के अलावे पटना रिंग रोड से आने वाली गाड़ियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इन इलाकों से आने वाली बसों को बिहटा में बनने वाले नए बस स्टैंड में ही रोकने का प्लान है। नए बस स्टैंड की खासियत यह है कि यह बिहटा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के करीब होगा। बताते चले कि इसे लेकर बीते दिन नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर और पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने लोकेशन का जायजा लिया और वहां प्रस्तावित 25 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सुबह बिहार में ठंड का आगमन दिखने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कोहरे की चादर में राजधानी पटना समेत के अन्य जिले सुबह के वक्त लिप्त नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बिहार के ऊपर बना है, जो कि झारखंड तक फैला है। इसके प्रभाव से दक्षिण बिहार की कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान बताया गया है। वहीं इस दौरान न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने का अनुमान है। बिहार में मिले 4 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान एक भी मरीज रिकवर नहीं हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 26 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना से 2 मरीज जबकि मुजफ्फरपुर से 1 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं एक अन्य मरीज दूसरे राज्य के निवासी बताए गए हैं। तो वहीं बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के ठिकानों पर जारी है रेड। बिहार में थानेदार, अधिकारी और व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी होने की खबरें आती रहती हैं, मगर ताजा मामले में सूबे के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ठिकानों पर तलाशी अभियान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के सरकारी आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। बताते चले कि कुलपति के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कई धाराओं में केस दर्ज किया था। वहीं इससे पहले स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने सर्च वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद से ही तलाशी ली जा रही है। केस दर्ज होने के बाद विशेष निगरानी की टीम कुलपति के सरकारी ऑफिस और आवास की तलाशी ले रही है। बिहार के बॉर्डर एरिया में शराब सप्लाई के रूट्स चिन्हित करेगी सरकार। हाल में हुई घटनाओं को देखते हुए शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार सरकार काफी गंभीर हो चली है। इसके तहत अब हर हाल में इस कानून के जरिए जिम्मेदार लोगों के साथ ही आला अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने खुद ही बीते दिन के समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य में शराब आने ही नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बॉर्डर पर से कार्रवाई करना शुरू करने वाली है। साथ ही सीएम ने कहा कि बॉर्डर एरिया में शराब सप्लाई के रूट्स को चिन्हित करके लगातार छापेमारी की जाए। इसके लिए एडीजी, आईजी व डीआईजी स्तर के अधिकारी को नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करने और निचले स्तर तक क्रियान्वयन का जायजा लेने का आदेश दिया गया है। राज्य के 65 लापरवाह डॉक्टरों के इंक्रीमेंट पर सरकार ने लगाई रोक। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही करने वाले 65 चिकित्सकों पर कार्रवाई की है। इन सभी डॉक्टरों को दिए गए काम में लापरवाही बरतने को लेकर उनके इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। ये सभी 65 डॉक्टर प्रभारी
सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं जो कि अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर को टीकाकरण महाअभियान के दौरान ये सभी अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों में गैर हाजिर पाए गए थे। वही विभाग ने 48 घंटों के अंदर कारण बताओ नोटिस भी जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद निर्धारित समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण इन सभी के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया गया है। इनमें से कुछ चिकित्सक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भी हैं, तो जबकि अधिकतर ग्रामीण केंद्रों के हैं। अवैध शराब से मालामाल हुए अफसरों की गुप्त रूप से होगी जासूसी। बीते दिन हुए समीक्षा बैठक के बाद अब वैसे अफसरों पर बड़ा शिकंजा कसने वाला है जो अवैध शराब को पनाह देकर मोटी रकम कमाकर मालामाल हो बैठे हैं। सरकार ऐसे पुलिस अफसरों, थानेदारों या फिर अन्य अधिकारियों पर अपनी नजर जांच एजेंसियों के माध्यम से रखने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में माफियाओं से साठगांठ करके जो भी अधिकारी या फिर कर्मचारी मोटी कमाई कर रहे हैं उनकी संपत्तियों की जांच सरकार कराएगी। इसके तहत बिहार सरकार अपने एंटी करप्शन एजेंसी के द्वारा ये काम करवाएगी। बता दें कि भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी गुपचुप तरीके से बिना भनक लगे ही इसका पता लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को यह काम सौंप दिया गया है, जिसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को कहा डरपोक। बिहार में बीते दिन घंटों लंबी चली शराबबंदी की समीक्षा बैठक के बाद जब बारी प्रेस से मुखातिब होने की आई तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उनके अधिकारी ही प्रेस से मुखातिब हुए। इस वाक्य को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से नीतीश सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और इस बार उन्होंने सीएम को डरपोक तक बता दिया है। तेजस्वी ने अपने पुराने ट्वीट जिसमें बीते दिन ही उन्होंने 15 सवाल शराबबंदी को लेकर सरकार से पूछे थे उसे टैग करते हुए लिखा कि समीक्षा बैठक से पहले मैंने 15 सवाल पूछे थे, उनमें से किसी भी सवाल का सीएम के पास जवाब नहीं था। उन्हें डर था कि यह सवाल उनके सामने उठ गए तो वह इसका क्या जवाब देंगे। बच्चों को बिना सुई लगाए ही लगेगी कोविड रोधी वैक्सीन। कोरोना से बचाव के लिए बिहार में बड़ों को वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया के बाद अब बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। हालांकि सुई, जिसका डर अमूमन सभी बच्चों को होता है, उसका इस काम में कोई रोल नहीं रहने वाला है। यानी कि बिहार के बच्चों को सुई के बिना ही वैक्सीन लग जाएगी। दरअसल इसके लिए एक नया नीडल फ्री डिवाइस तैयार किया गया है। इस डिवाइस में एक छोटा सा पॉइंट है जो डिस्पोजेबल है। बस इस पॉइंट को बच्चों के बाजू के स्किन में टच कराकर पुश कर दिया जाएगा। इस सिस्टम से 0.1 मिलीलीटर वैक्सीन बच्चों के बाजू की स्किन की ऊपरी सतह में लग जाएगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस डिवाइस से वैक्सीन लगाने को लेकर सभी जिलों के प्रतिरक्षण पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद 23 नवंबर को होंगे सीबीआई कोर्ट में उपस्थित। 6 दिनों के बाद यानी कि 23 नवंबर को एक बार फिर से लालू यादव अपने ऊपर चल रहे केस मुकदमे को लेकर कोर्ट में उपस्थित होने वाले हैं। दरअसल बीते दिन पशुपालन घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सुनवाई की और इस दौरान मामले के मुख्य आरोपी लालू यादव समेत सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को फिजिकली कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सुनवाई के दौरान विशेष अदालत ने सीबीआई से अनुपस्थित अभियुक्तों के संबंध में जिंदा होने ना होने का रिपोर्ट भी मांगा है। बताते चले कि बीते दिन सीबीआई विशेष अदालत में हुई सुनवाई के दौरान 16 अभियुक्त फिजिकली मौजूद रहे थे, मगर लालू यादव समेत 2 अन्य अभियुक्त बीमारी की बात कहकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। हालांकि कोर्ट के निर्देश के बाद अब उन्हें 23 नवंबर को मौजूद होना है। गौरतलब हो कि पशुपालन घोटाला मामला 25 साल पुराना है, जिनमें 44 अभियुक्त बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में 28 अभियुक्त ही जीवित है। नशा मुक्ति दिवस पर बिहार सरकार के अधिकारी गण लेंगे खास शपथ। बीते दिन बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लेने के बाद अब वापस से बिहार में न पिएंगे और न पीने देंगे वाले शपथ ग्रहण का आयोजन होने वाला है। इसे लेकर 24 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस पर सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारी गण एक साथ मदिरा नहीं पीने और न पीने देने की शपथ लेने वाले हैं। बताते चले कि यह पहली बार नहीं है जब ये अधिकारी इस तरह की शपथ ले रहे हैं। बताते चले कि बिहार में 26 नवंबर को निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार हाल के दिनों में अवैध शराब कांड से सरकार को भारी फजीहत झेलनी पड़ी है, क्योंकि राज्य में लंबे समय से शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में सरकार इस बात को गंभीरता से लेते हुए एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है। शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर दिए बेतुके बयान। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मैराथन बैठक हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कई अहम निर्देश दिए गए। बता दें कि इस बैठक में सभी मंत्री, डीजीपी, गृह विभाग के अपर सचिव समेत कई अधिकारी पटना में शामिल हुए थे। बता दें कि इस बैठक में चौकीदारों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं लापरवाही बरतने पर एसएचओ पर सख्त कार्रवाई के आदेश देने की भी बात कही गई है। सीएम नीतीश के इस फैसले के बाद राजद नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ी बात कह दी है। नीतीश कुमार के शराबबंदी को कर बोलते हुए शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, असल में संगति का प्रभाव है। जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार में भी वह जिन धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है।
गया में घर घर जाकर लग रही है कोविड वैक्सीन। पल्स पोलियो अभियान की ही तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका क्रियान्वयन बीते दिन गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपने 24 प्रखंडों में किया गया। अभियान के तहत 24 प्रखंडों के 323 पंचायतों के हर घर में स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे और वहां जिन्होंने अब तक दोनों डोज वैक्सीन नहीं ली है उन्हें वैक्सीन की डोज देंगे। यह अभियान 27 नवम्बर तक चलेगा। बताते चले कि लगभग 200 सुपरवाइजर की निगरानी में मोबाइल टीम द्वारा कोविड टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के लिए जिला में 562 मोबाइल टीम तैयार की गई है। साथ ही आपको बता दें कि यह हर दिन नहीं चलेगा। अभियान के तहत 18 नवंबर, 20, 22, 23, 25 व 27 नवंबर को ही टीके दिए जाएंगे। आज होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड का T20 का मुकाबला। जयपुर के मैदान में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को एक तरफा मुकाबले में हराया था और उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बुरी तरह से तोड़ दिया था। ऐसे में भारतीय टीम विश्व कप में मिली हार का बदला चुकता करना चाहेगी और साथ ही में अगले विश्व कप की तैयारी में जुट जाएगी। बताते चले कि आज के इस टूर्नामेंट में भारत के लिए रोहित शर्मा कप्तान होंगे और वहीं राहुल द्रविड़ पहली बार भारतीय टीम के हेड कोच बनकर टूर्नामेंट में आएंगे। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में BCCI ने IPL में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है। आवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़, हर्षल पटेल आदि युवा खिलाड़ियों को इस सीरीज में मौका मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री के नए आदेशों से क्या अवैध बिक्री में कमी आएगी या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।